जहां चाह बहरा कुछ इस तरह ही कर दिखाया शाहपुर के दुर्गेला के पूर्णचंद ने। जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव दुर्गेला के पूर्णचंद ने वर्ष 2018 में सेब के 50 से 30 पौधे बागवानी विभाग के मार्गदर्शन में पालमपुर उपमंडल के गोपालपुर से एक निजी नर्सरी से लेकर शुरुआत की। इससे पहले पूर्णचंद धान, गेहूं, मक्के इत्यादि की खेती ही करते थे। मन में बागवानी की चाहत थी और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 2008 में कृषि विभाग के तत्वावधान में पुणे महाराष्ट्र से कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से भी समय समय पर कृषि से संबंधित अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए। एक समय तो उन्होंने कीवी लगाने का भी मन बनाया और पहुंच गए विभाग के कार्यालय, लेकिन पूर्णचंद की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। बागवानी अधिकारियों ने उन्हें सेब के पौधे लगाने की सलाह दी। 25 से 30 पौधे लगाकर उन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन वे अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्णचंद नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्रा के संपर्क में आए और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न वीडियो को उन्होंने देखा और उसका अनुसरण करते हुए जैविक खाद को अपनाया। पूर्णचंद के अनुसार जैविक खाद प्रयोग करने से उनके बगीचे में बेहतर क्वालिटी के सेब के फल आए तथा पौधों में बीमारी रासायनिक खादों के उपयोग करने की अपेक्षा कम रही। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णचंद को पौधों में उपदान के अलावा एंटी हेलनेंट के लिए भी 80% उपदान दिया गया है। एंटी हेलनेंट लगाने से सेब की फसल पशु पक्षियों व कीट पतंगों से सुरक्षित रह रही है। इस समय पूर्णचंद के 3 से 5 कनाल के बगीचे में लगभग 150 अन्नाब डोरसेट प्रजाति के सेब के पौधे लगे हुए हैं। पूर्णचंद कहते हैं कि उनके बगीचे में पहले वर्ष कम फल आए, जबकि उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष बगीचे के लगभग 100 से 120 पेटी सेब के हो जाएंगे, जिससे उनका कुछ खर्च भी निकल जाएगा। पूर्णचंद कहते हैं कि इस वर्ष फलों की आय से पूर्व में किए हुए व्यय का कुछ हिस्सा निकल आने की उम्मीद है। जैविक विधि से तैयार इन फलों के अच्छे दाम भी मिलने की उम्मीद करते हुए पूर्णचंद का कहना है कि ये फल सेहत की दृष्टि से बहुत ही पौष्टिक हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने पारंपरिक खेती कर रहे किसान भाइयों, विशेषकर युवाओं से बागवानी को जैविक विधि से तैयार करने का आह्वान किया, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में रहकर ही आजीविका प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि धर्मशाला बागवानी विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव गुप्ता व बागवानी अधिकारी संजीव कटोच इस प्रगतिशील बागवान को समय समय पर आवश्यक जानकारी देते रहते हैं। बागवान पूर्णचंद का प्रदेश सरकार से निवेदन है कि सरकार प्रदेश में जैविक खेती के बढ़ावे के लिए किसानों को बेस्ट डी कंपोजर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे, ताकि वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील बागवान पूर्णचंद ने सेबों की एक नर्सरी भी तैयार की है और इसमें लगभग 1500 सेब के पौधे की पोत तैयार की है। पूर्णचंद की धर्मपत्नी मधुबाला भी इस कार्य में उनका पूर्ण सहयोग करती है और मिलजुल कर काम करने का ही नतीजा है कि इस क्षेत्र में उन्होंने सेब का बगीचा तैयार कर दिया, जो क्षेत्र में और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं पूर्णचंद बुनकर, गांव दरगेला और विकासखंड रहत, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रहने वाला हूं। ये जो आप मेरा सेब का बगीचा देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे आसपास, यहां पर पहले मैं गेहूं की, मक्के की और सब्जियों की खेती करता था, लेकिन ये 2018 में मैंने ये सेब का बगीचा लगाया था। और ये मेरा जो बगीचा है सेब का, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के आधारित है और ये पारंपरिक खेती है हमारी, लेकिन अब हम इसे एक वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जो हमारे हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं SMS, और यहाँ रैत में जो बैठते हैं हमारे अधिकारी श्री कटोच जी, तो इनका काफ़ी सहयोग हमें मिलता है। और ये बगीचे के लिए इनकी गाइडलाइन में हमने ये सारा काम शुरू किया था। और ये जो बगीचे पे, इस पे सरकार ने हमें सब्सिडी भी दी है, जो जिस हिसाब से सरकार देती है। और आप देख रहे होंगे कि ये हेलनेट मैंने लगाई है, ये पक्का स्ट्रक्चर बनाया है, तो हेलनेट पे मुझे 80% सब्सिडी मिली है। तो जो भी मैंने ये हेलनेट मंगवाई थी उसका लगभग मुझे 37,000 के आसपास जो सरकार की तरफ से मिला है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस बार तो ऐसा सुनने में आया कि सरकार ने स्ट्रक्चर के ऊपर भी 50% सब्सिडी
देने का प्रावधान किया है, तो ये भी आगे भविष्य में मिलने की संभावना है, मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा इसके लिए हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने विभाग में फ़ोन करते हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता जी को फ़ोन करते हैं, कटोच जी को फ़ोन करते हैं, तो वो आ जाते हैं कभी भी, जब भी बुलाएं। और इसमें आत्मा वालों का बड़ा सहयोग है हमें, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर जीरो बजट खेती की ट्रेनिंग दी थी, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम जीरो ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती, ये आपने सुना होगा कि डॉक्टर कृष्णा चंद्रा, ये राष्ट्रीय जैविक खेती इनका जो हेड ऑफिस है गाजियाबाद में, जो इसके वो डायरेक्टर हैं, उनके मतलब ये क्या कहते हैं कि मार्गदर्शन से हमने वेस्ट डिकम्पोजर, आपने सुना होगा, उस वेस्ट डिकम्पोजर से हमने इस बगीचे के लिए सारे प्रोडक्ट जो हैं ऑर्गेनिक हमने खुद तैयार किए हैं, जैसे जीवामृत है, माइक्रो न्यूट्रेंट है जो हम पल्सिस और ऑयल सीड से बनाते हैं, इसके अलावा स्टोन एलिमेंट है जो पत्थरों द्वारा बनाया जाता है, ये बहुत मतलब पावरफुल है और पौधे के लिए काफ़ी हमें हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। ये मेरा जो बगीचा है इसमें लगभग मैंने 150 प्लांट लगाए हैं, इसमें दो किस्म के सेब लगे हुए हैं, एक डोरसेट गोल्डन है, एक अन्ना है, तो ये दोनों वैरायटियां हैं और अच्छी चल रही हैं। पिछले साल मैंने शुरू में जब कम प्लांट लगाए थे तब लगभग एक साल के बाद एक क्विंटल के आसपास सेब निकले थे, लेकिन इस बार ये देख रहे हैं आप, ये जो बगीचा है मेरे आसपास, ये काफ़ी प्लांट जो मेरा 120 के लगभग प्लांट जो हैं वो एक साल के हैं, लेकिन ये इस वक्त सेब से लदे हुए हैं। मुझे उम्मीद है इस बार कम से कम 100 पेटी सेब जो है यहाँ से निकलेगा। और मैं अपने किसान भाइयों को, अपने आने वाली जनरेशन को, यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एप्पल की यहाँ बहुत संभावना है, अगर मेहनत करेंगे तो ये सोना है। हम पहले खेती करते थे अपने खाने के लिए, हमें गेहूँ मिलती थी या मक्का मिलता था, लेकिन इससे हमारी जो आर्थिकी है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर नर्सरी भी तैयार की है, पौधे भी तैयार किए हैं आगे किसान भाइयों को देने के लिए, जो मैं बाकियों से सस्ते भी दूंगा, ये मैंने सोच रखा है कि मैं फार्मर को, और जो भी मेरी मुझे जानकारी है इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए, वो मैं अपनी जानकारी भी फार्मर के साथ शेयर करता हूँ, और अपने वीडियो बना बना कर मैं फार्मर को YouTube के माध्यम से भेजता रहता हूँ काफ़ी। और इस बगीचे में मेरी सहयोगिनी, मेरी धर्मपत्नी काफ़ी सहयोग रहता है इनका, जो भी हम काम करते हैं मिलजुल करके करते हैं, एक दूसरे की सलाह से करते हैं। आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम दोनों ने ये मिलकर बनाया है, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इनको भी बहुत खुशी है। लेकिन जब मैंने शुरू में सेब के पौधे लगाए तो इनको थोड़ा ऐसा लगता था कि शायद यहाँ सेब होंगे नहीं, लेकिन मैंने इनको समझाया कि नहीं, यहाँ सेब हो रहे हैं, हम शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम काफ़ी अपनी आर्थिक को सुदृढ़ कर सकते हैं।